So I was just trying to go to Rohtang to the Atal Tunnel, right? But because of the traffic jam, जो tourists इतने सारे आ रहे हैं उसके कारण यार सोलांग वैली से भी आगे जाना मुश्किल पड़ गया. So I am thinking, why not go to the old route of going to Rohtang, right? जब Atal Tunnel नहीं होती थी. And ये वो cut है जो गुलाबा जाता है. Let's see ये कहाँ तक जाता है रास्ता, ये कैसा हो गया है after Atal Tunnel has become mainstream, right? The mainstream route. यहाँ पे कैसा है मामला? इस पर आए हुए काफ़ी साल हो गए, जब से Atal Tunnel बनी है इधर आते ही नहीं हैं. छोटी छोटी गलियाँ, याद है रूट आप सबको? इस पर आपको याद आता तो है नहीं, तो ये आई थिंक इस पर ट्रैफिक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है. बर्फ मिल सकती है इस रूट पे क्योंकि यहाँ पे रोड क्लीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, दैट इज़ माय हंच. ये देखो यहाँ पे कोने कोने में है बर्फ, बट यहाँ पे है शांति. वाह, इस रूट पे बढ़िया है मामला. ओहो हो, आओ जी आओ जी. ट्विस्टीज, हाँ ट्विस्टीज ही ट्विस्टीज दिख रहे हैं इस रूट पे. यहाँ से ऊपर जाने के लिए परमिशन दिखानी पड़ती थी गुलाबा के बाद, एंड ऑब्वियसली वो परमिशन हमारे पास तो है नहीं. बट ऐसे ही किसी नॉर्मल सीनिक एक बढ़िया से व्यू के लिए ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है रास्ता. वाओ, यहाँ से तो बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है वैली का. क्या सीन है इधर, sun is shining, the weather is heating. Koti 2 kilometers. कैफे चलते चलते, नाइस. हाँ इधर चाय पी जा सकती है. चलते चलते न कैफे कोठी, कैफे कोठी. गुलाबा इज 8 kilometers फ्रॉम हेयर. क्या है इससे आगे जाने नहीं देते क्या? यहाँ पे क्लोज है क्या रास्ता? वन, सो आई वॉज ट्राइंग टू टेक द ओल्ड रूट टू Rohtang पास, देख रहा था कहाँ तक जाता है. एंड वी हैव रीच जस्ट बिफोर गुलाबा, एंड यहाँ पे इफ यू सी बिहाइंड उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ करा हुआ है. इसके आगे रोड भी क्लियर नहीं करी हुई, सो एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड एंड फुल ऑन स्नो हेयर. इसके आगे यू कान टेक योर व्हीकल. ये बंद ही कर दिया पूरा, वैसे मतलब साफ नहीं करते इसे. अच्छा यहाँ से बंद पूरा, ओके. वो कैसे गए हैं वहाँ पे ऊपर जो लोग गए, चल के? अच्छा चल के जा सकते हैं, ओके. सो भाई साहब कह रहे हैं अप्रैल में खुलेगा रास्ता. सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक Rohtang का रास्ता जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है. ब्रेज़ा, न्यू वाली ब्रेज़ा लाइक इसके ऊपर से निकलती हुई. सो अब यहाँ से चाय वगैरह लेते हैं. ये देखो यहाँ पे तो गुलाबा के बाद बिल्कुल ही मतलब गुलाबा जाने वाला रास्ता ही ब्लॉक करा हुआ है. भैया चाय मिलेगी क्या? अदरक गिर गया. हाँ थोड़ा अदरक गिर गया.
सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ही सबसे ज़्यादा मीठा पीता हूँ चाय को, एंड यहाँ की जो चाय इतनी ज़्यादा मीठी है कि मुझे भी लग रहा है कि ये लिटरली इट्स अ शुगर शॉट. बट जस्ट लुक एट द व्यू ऑल अराउंड यार, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, प्योर सनशाइन, एंड देयर इज रियली समथिंग अबाउट द सनशाइन ऑफ द हिल्स यार. लुक एट द ब्लू स्काई, द प्योर सनशाइन, एंड यहाँ पे देखो इस होटल के सामने विच इज़ द सुगू वैली कैफे, प्रॉपर बर्फ वगैरह जमी हुई है. दिस इज रियली स्लिपरी और धूप पड़ रही है, उसके बाद भी यहाँ ये सिचुएशन है. आगे जहाँ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे ट्रैक करने जा सकते हैं, जैसे अगर आपको दूर कहीं वहाँ दिखे तो कोई बंदे चल रहे हैं वहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो वहाँ कहीं, बट व्हीकल्स अलाउड नहीं है यहाँ पे. सो हमारी चाय वाय हो गई है, एक स्पेशल एक्स्ट्रा मीठी चाय, वी आर डन विद दैट, एंड अब वापस नीचे उतरते हैं. आई विल फाइंड अ गुड प्लेस एंड सोक इन द आफ्टरनून सन बिफोर इट सेट्स, एंड उसके बाद हम वापस घर की तरफ जाएंगे. सो ऑल सेट, अब वापस चलते हैं, एक और कोई बढ़िया लोकेशन ढूंढते हैं जहां से हम सनसेट देख पाए, क्योंकि यार इतनी अच्छे वेदर में ना घर जाने का एकदम से दिल नहीं हो रहा. इस एरिया पे ना प्रॉपर स्नो गिरी हुई है, एंड दिस इज लाइक 4 किलोमीटर्स फ्रॉम पलशान, वट एवर यू कॉल इट. इधर पूरा पानी जमा हुआ है, ये जो स्ट्रीम बह रही है, इफ़ यू कैन सी दिस, ये पॉइंट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है जहाँ पे बैरियर लगा हुआ है एंड इसके बाद मना करा हुआ है जाने का. हर बार सुना ही था, आज देख भी लिया. ये देखो यहाँ पे कैसे पानी जमा हुआ है, बचपना जाता नहीं है. ये देखो ये पानी है जमा हुआ. ओहो सॉलिड जमा है भाई, सॉलिड जमा है, इसके नीचे बह भी रहा है पानी. ये देखो, सो मटर कस्ती गोइंग ऑन टुडेज राइड. कोई जल्दी नहीं, कोई एजेंडा नहीं, चलते रहो, नज़ारे एंजॉय करते रहो, यही चल रहा है. सो वापस उतरते हुए ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर दिखा है. देखो यहाँ पे ना दोनों पहाड़ के बीच में एक बहुत बड़ा व्हाट डू आई से गड्ढा बना हुआ है. वहाँ देखो वो पहाड़ नीचे जा रहा है, इधर से ये वाला एज जा रहा है, बीच में इज एन एरिया जहाँ पे आई डोंट थिंक सो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा धूप आती होगी पूरे दिन में. व्हाट ब्यूटी यार, एंड नीचे नदी बह रही है, उसकी हल्की सी आवाज़ आ रही है. आई डोंट नो क्या स्ट्रीम है वो, गोप्रो के माइक में तो डेफिनेटली आ नहीं रहा होगा. व्हाट अ व्यू यार, दिस इज जस्ट स्टनिंग, लुक एट द व्यू ऑफ द एंटायर वैली हियर. दिस वॉज अ स्लोप जहाँ पे ना बाइक टिक नहीं रहती, तो आई जस्ट बेंट इट ओवर एंड लिटा दिया ज़मीन पे. बट सामने का नज़ारा यार, दिस इज़ जस्ट टू ऑसम. सामने वो देखो जो मिस्ट दिख रही है ना वैली में, बन रही है बीच में, दिस लुक स्टनिंग, एंड ऑल दीज हाउसेज जस्ट बिलो अस विद द सन अबाउट टू सेट इन. क्या चाहिए यार ज़िंदगी में इससे बढ़िया व्यू. से वो नीचे जा रहा है, सामने अटल टनल की तरफ जाने वाला रास्ता है ना, ऊपर पुराने वाले रास्ते पे हम आए हुए हैं. सो आप लोगों को दिखाते दिखाते सारी वैली के कलर चेंज हो गए. सन इज बिहाइंड दैट माउंटेन, एंड सामने देखो सिर्फ उस पहाड़ पे धूप आ रही है. दिस इज समथिंग यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ, राइट? सो दैट इज एसेंशियली व्हाट आई सेट आउट टू डू टुडे. इस रूट पे आके कोई एक बढ़िया सा कॉर्नर ढूंढ के वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना था. नो यू नो वायरल एजेंडा टुडे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये उड़ा दिया, वो गिरा दिया. जस्ट इंजॉइंग द सीनरी, इंजॉइंग द पीस ऑल अराउंड. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक दिस काम एंड ईजी राइड टुडे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्टे कनेक्टेड. अ लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग अप. बाय बाय.